हेलो एवरीवन, दिस इज मी मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम थ्री क्वेश्चंस चैप्टर का समरी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। द किंग्स मिशन, राजा का मिशन। वंस देयर वाज अ किंग हु थॉट दैट टू बी अ सक्सेसफुल रूलर ही मस्ट नो द आंसर्स ऑफ थ्री क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस वर, एक बार एक राजा था जिसने सोचा कि एक सक्सेसफुल राजा बनने के लिए, सक्सेसफुल शासक बनने के लिए उसको तीन सवालों के जवाब पता होने चाहिए। और ये तीन क्वेश्चंस क्या थे? द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो पहला सवाल था कि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए सबसे सही समय कौन सा है, सबसे राइट टाइम कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसको किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा था, What is the most important thing for him to do? और सबसे ज्यादा important, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा है राजा के लिए। तो राजा को लगा कि अगर मुझे तीनों questions के अगर answer मुझे मिल जाएंगे तो मैं बहुत ही ज्यादा successful राजा बनूंगा। The wise men and their solutions। Wise का मतलब होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान आदमी और उनके solutions, जो सवाल है उनके answer। The king sent messengers in all directions to find people who could answer these questions। तो राजा ने अपने दूत, मैसेंजर्स का मतलब है दूत, सभी दिशाओं में भेज दिए उन लोगों को ढूंढने के लिए कि जो मेरे जो तीन सवाल हैं उनके अगर कोई आंसर दे पाए। उनको ढूंढने के लिए उसने सभी डायरेक्शंस में अपने लोगों को भेजा। मैनी वाइस मैन केम, और बहुत सारे बुद्धिमान आदमी आए। बट देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट, पर उनके जो उत्तर थे सब अलग अलग थे। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ देम फेल्ट दैट द किंग शुड फॉलो अ टाइम टेबल, व्हाइल देयर वर अदर्स who felt that it is not possible to decide the right time for doing something in advance। तो जो पहला सवाल था, तो बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को लगा कि राजा को ना एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए और उसी टाइम टेबल को फॉलो करके वो अपना काम कर सकते हैं। और जबकि कुछ लोगों को लगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लोगों को लगा कि पॉसिबल ही नहीं है कि हमारा कोई राइट टाइम भी है किसी चीज को करने के लिए। तो ये थे कुछ बुद्धिमान लोग जिनकी ये सोच थी। सिमिलरली फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, सम वाइस मैन सेड दैट द किंग शुड फॉलो हिज काउंसलर्स, व्हाइल अदर्स थॉट इट वाज द प्रीस्ट होम द किंग शुड लिसन टू। और इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन था, कुछ वाइस मैन को लगा कि जो राजा है उसको अपने काउंसलर्स के सुननी चाहिए, जो राजा के साथ जो और लोग बैठे रहते हैं उनके सभा में उनको सुनना चाहिए। और जबकि कुछ लोग को लगा कि उनको, उसको प्रीस्ट को सुनना चाहिए, प्रीस्ट का मतलब है पुजारी को सुनना चाहिए। देन देयर वर दोज हु फेल्ट दैट इट वाज द डॉक्टर द किंग शुड ओबे, व्हाइल देयर वर मेनी इन फेवर ऑफ सोल्जर्स। और जबकि कुछ लोगों को लगा कि जो राजा है उसको डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, उनको उनके फैसले को पालन करना चाहिए। और जबकि कुछ लोगों को लगा कि उनको अपने सैनिकों की सुननी चाहिए। फॉर द थर्ड क्वेश्चन, सम वाइस मैन सेड साइंस शुड बी ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द किंग, व्हाइल अदर्स सेड रिलीजन। और जो तीसरा सवाल था उनका, तो बुद्धिमान वाइस मैन यानी कि जो बुद्धिमान लोग थे, उन्होंने बोला कि जो विज्ञान है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, यानी कि हमें विज्ञान की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमें इन्हीं चीज को देनी चाहिए। और जबकि कुछ लोगों को लगा कि आपको धर्म का पालन करना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि जो राजा है उसको जो तीन क्वेश्चंस जो राजा के पास हैं उनके आंसर्स अभी उनको ढंग से नहीं मिल पा रहे, क्योंकि सभी के डिफरेंट आंसर्स हैं। द हर्मिट, हर्मिट का मतलब है सन्यासी या वो इंसान जो अकेला रहता है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दीज आंसर्स एज दे वर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो राजा था वो इन सब आंसर से सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे आंसर डिफरेंट थे, अलग थे एक दूसरे से। He didn't give any reward to anyone and thought to seek consultation of a wise hermit who lived in the jungle। क्योंकि उनके answers different थे तो इसलिए उन्होंने किसी को भी reward, इनाम नहीं दिया। और उसने, राजा ने सोचा कि मुझे जो बुद्धिमान जो hermit है, जो सन्यासी है, मुझे ना जो जंगल में रहता है मुझे उनकी बात सुननी चाहिए, उनसे उनको मुझे consult करना चाहिए। The hermit will see only ordinary people, so the king dressed up like a normal man, leaving behind his horse and bodyguards and went to the hermit's hut। पर वहाँ पे जो कंडीशन है कि हर्मिट जो सन्यासी है वो सिर्फ सामान्य लोगों से मिलता है, ऑर्डिनरी लोगों से मिलता है। तो जो राजा है उसने नॉर्मल इंसान का ड्रेस पहना और अपने घोड़ों को, अपने जो बॉडीगार्ड्स हैं उनको पीछे छोड़ दिया उसने।
ठीक, और वो हर्मिट के झोपड़ी में गया मिलने। द हर्मिट वॉज एन ओल्ड मैन एंड वॉज बिजी डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। और जो हर्मिट है वो एक बूढ़ा आदमी है जो कि अपने घर के आगे वो गड्ढा खोद रहा था। डिगिंग का मतलब था खोदना। द किंग टोल्ड द हर्मिट दैट ही हैज कम इन सर्च ऑफ आंसर्स फॉर हिज थ्री क्वेश्चन एंड रिपीटेड देम। और राजा ने हर्मिट को बोला कि मैं जो एक क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है, मुझे उनके आंसर्स की तलाश है। और फिर उसने, राजा ने हर्मिट को अपने क्वेश्चन को रिपीट किए। द हर्मिट डिडंट रिस्पॉन्ड एंड कंटिन्यूड डिगिंग द ग्राउंड। जो हर्मिट है उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया राजा को और वो गड्ढे को खोदता रहा। सम टाइम पास्ड एंड द किंग सीइंग द हर्मिट टू बी टायर्ड ऑफर्ड हिज हेल्प। कुछ टाइम बीता गया, फिर राजा ने देखा कि हर्मिट थक चुका है, टायर्ड का मतलब था थकना, तो उसने अपनी हेल्प की। उसने हर्मिट को बोला कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। द किंग कंटिन्यू डिगिंग द ग्राउंड टिल इवनिंग। और जो राजा है शाम तक उसने जमीन को खोदता रहा। इन द इवनिंग द किंग अगेन रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर हिज क्वेश्चंस। और शाम को भी राजा ने फिर से रिक्वेस्ट किया हर्मिट को कि मेरे जो क्वेश्चन है उनका आप प्लीज आंसर दे दीजिए। बट एट दैट मोमेंट समवन केम रनिंग टू वर्ड्स द हर्मिट्स हट। और उसी टाइम कि कोई जो हर्मिट का जो घर है उसके तरफ भागता हुआ दिखाई दिया। द किंग साइड अ रिलीफ। राजा ने राहत की सांस ली। द किंग देन वेंट टू लुक फॉर द हर्मिट हु वाज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट दे हैव डग द डे बिफोर। फिर से जो राजा है वो हर्मिट को देखने गया। अब इस बार हर्मिट क्या कर रहा था, वो बीजों को बो रहा था क्यारियों में, बेड्स का यहाँ पे मतलब है क्यारी। और वो उस जो उन्होंने एक दिन पहले जो गड्ढा खोदा था उसमें हर्मिट बीजों को बो रहा है। सोइंग का मतलब था बोना। ही रिक्वेस्टेड द हर्मिट फॉर द लास्ट टाइम टू आंसर हिज क्वेश्चन। और फिर राजा ने फिर से हर्मिट को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दे दीजिए। टू दिस द हर्मिट रिप्लाई दैट द किंग हैज ऑलरेडी फाउंड द आंसर्स। और जब अब इस बार हर्मिट ने राजा को बोला कि आपको पहले से ही सारे आंसर्स पता, सभी आंसर्स मिल चुके हैं। इफ ही वुड नॉट हैव पिटेड हर्मिट्स कंडीशन द डे बिफोर देन द मैन वुड हैव अटैक्ड हिम ऑन हिज वे एंड ही माइट हैव लॉस्ट हिज लाइफ। हर्मिट ने कहा कि अगर उसने हर्मिट की मदद नहीं की होती, हर्मिट की जो कंडीशन है उस पर उसने दया नहीं दिखाई होती, तो जो आदमी भागते हुए आ रहा था राजा को अटैक करने के लिए, तो उसमें राजा की मौत हो सकती थी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन ही वॉज डिगिंग द बेड एंड द हर्मिट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। और फिर हर्मिट ने कहा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब राजा जमीन को जब खोद रहा था तब। अगर वो जमीन को नहीं खोदता तो जो इंसान भागते हुए आया था किंग पे अटैक करने के लिए, वो किंग को मार देता। और उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन था, वो हर्मिट था सबसे इम्पोर्टेंट इंसान। द वुंडेड मैन, जख्मी आदमी, जख्मी का मतलब होता है वुंडेड। अ मैन केम रनिंग टूवर्ड्स देम विथ अ हैंड ऑन हिज वुंडेड स्टमक। जो एक आदमी भागते हुए उनकी तरफ आया और एक हाथ उसका उसके पेट पे जो जख्म था उस पे उसका एक हाथ उसने रख रखा था। द किंग क्लीन द वुंड। और जो राजा ने उसके घाव को साफ किया एंड ड्रेस द वुंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। और फिर उसने उस पर पट्टी की जो घाव पे, ताकि जो उसका ब्लड फ्लो है वो कंट्रोल हो जाए। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर सम वाटर। और फिर आदमी ने अच्छा महसूस किया और उसने कुछ पानी मांगा पीने के लिए। हर्मिट एंड द किंग टुक द मैन इनसाइड द हाउस। और हर्मिट और किंग उस आदमी को घर के अंदर ले गए। द मैन वॉज लाइंग क्वाइट इनसाइड द हाउस एंड द टायर्ड किंग टू फेल अस्लीप ऑन द ग्राउंड। और जो वो आदमी को अंदर लेके गए तो आदमी आराम से लेटा रहा और राजा भी थक चुका था और वो जमीन पर सो गया। इन द मॉर्निंग व्हेन द किंग ओपन्ड हिज आईज ही सो द वुंडेड मैन आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। और जब सुबह हुई और जब राजा ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि जो जख्मी आदमी है वो माफ़ी मांग रहा है उससे। द मैन टोल्ड द किंग दैट ही हैड कम टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम बिकॉज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड हैड टेकन अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी। फिर उस आदमी ने बताया कि वो एक बदला लेने आया था। रिवेंज का मतलब था बदला लेना। अब वो बदला क्यों लेना चाहता था, क्योंकि जो राजा है उसने उसके भाइयों को मार दिया है, उसके भाई को मार दिया है, और उसको मारने के बाद उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली है। टेकन अवे का मतलब था ले लेना या जब्त कर लेना। ही वॉन्टेड टू किल द किंग वाइल रिटर्निंग फ्रॉम हर्मिट्स प्लेस। और उसने ये भी बताया कि वो राजा को मार देना चाहता था
जब राजा हमिट की जगह से जब वो वापस जाएगा तो वो उसको मार देगा। बट द किंग्स बॉडी गार्ड्स फाउंड हिम, पर जो राजा के जो बॉडी गार्ड है उसने उस आदमी को ढूंढ लिया एंड वुंडेड हिम, और उसे जख्मी कर दिया। ही वुड हैव डाइड इफ द किंग वुड नॉट हैव हेल्प्ड हिम, और वो मारा जाता वो अगर राजा उसकी मदद नहीं करता। ही रेग्रेटेड हिज थॉट्स ऑफ किलिंग द किंग, और फिर उसने जो उसकी सोच थी कि वो राजा को मार देगा तो उसने उस पर पश्चाताप किया। एंड प्रोमिस टू बी हिज फेथफुल सर्वेंट, और उसने ये प्रोमिस किया, वादा किया कि वो उसका एक बहुत ही अच्छा नौकर बन के रहेगा, फेथफुल वफादार नौकर बन के रहेगा। द किंग वॉज प्लीज टू टर्न हिज एनिमी इन टू अ फ्रेंड, और राजा बहुत खुश था कि जो उसका दुश्मन है वो एक दोस्त बन गया है उसका। ही फॉरगेव हिम, और उसने उसको माफ़ किया। एंड रिटर्न्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी उसको वापस कर दी। व्हेन द वुंडेड मैन अराइव्ड, जब वो जख्मी आदमी आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन ही वॉज केयरिंग फॉर हिम, एल्स ही वुड हैव डाइड ऑफ हिज वुंड्स विदाउट टू ऑफ देम रिकनसीलिंग फॉर देयर एक्ट्स। जब वो जख्मी आदमी वापस आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब राजा ने उसकी केयर की, अदरवाइज अगर वो केयर राजा नहीं करता तो वो इंसान मर जाता। सो एट दैट मोमेंट द वुंडेड मैन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड नर्सिंग हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस समय जो जख्मी आदमी था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान था, महत्वपूर्ण इंसान था। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या था, जब उसको राजा पट्टी बांध रहा था उसके घाव पर, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। द हर्मिट सेड टू द मैन दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज नाउ, फिर हर्मिट ने राजा को बोला कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम अभी है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वेन वी हैव द पावर टू एक्ट, और जो अभी टाइम हमारे पास है वही टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम में हमारे पास कोई भी काम करने की पावर है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज वी आवरसेल्व्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान हम खुद हैं, बिकॉज फ्यूचर इज अननोन टू ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड देर इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी अबाउट मीटिंग एनीवन एल्स, और हमेशा क्योंकि हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अनिश्चितता बनी रहती है, और हमें ये भी नहीं पता कि हम कितने लोगों से मिलने वाले हैं फ्यूचर में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब इज टू डू गुड टू अदर्स, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है कि दूसरों के साथ आप अच्छा व्यवहार करें, दूसरों के साथ आप अच्छा काम करें, बिकॉज वी हैव बीन सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दिस नोबल कॉज, और क्योंकि इसी काम को करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर, आई होप यू इन्जॉय द चैप्टर। Thank you so much for attending this session. See you in the next lesson, everyone. Thank you for attending this session. Do share and subscribe to this channel for more lessons like this. Check out other video lessons by clicking on the video.